हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे इस वीडियो में पार्ट टू, यानी कि स्थानीय मान और जाति मान का पार्ट टू आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमने कल आपको, यानी कि फर्स्ट वीडियो में, एक या दो उदाहरण बता चुके थे। आज हम तीसरा उदाहरण लेकर सीखेंगे। जैसे यहाँ पर है 3, 2, 5, 7, 6, यानी कि 32,576 में दो का स्थानीय मान और जाति मान में अंतर बताओ। तो इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हम दो को देखेंगे किस स्थान पर है। तो चलिए देखते हैं, 6 इकाई स्थान पर, 7 दहाई पर, 5 सैकड़ा पर और 2 हजार पर। तो यहाँ पर होगा हमारे पास स्थानीय मान 1,000, यानी कि 1,000। 1,000 × 2, तो यहाँ पर स्थानीय मान निकल कर आया हमारे पास 2,000। अब यहीं हम इसका जाति मान देखेंगे। इसका जाति मान कैसे पता करते हैं? जाति मान वह मान होता है जिसकी वैल्यू जो दिखाई देता है वही रहता है। जैसे 2 का 2 ही, तो यहाँ पर जाति मान आया हमारे पास 2 और स्थानीय मान 2,000। अब इसमें क्या पूछा है? जाति मान और स्थानीय मान का अंतर। तो हम 2,000 में से -2 कर देंगे। जैसे 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 और यहाँ बचा 1। यानी कि हमारा जाति मान और स्थानीय मान, 2 का जाति मान और स्थानीय मान का अंतर आया 1,998। यही हुआ हमारा राइट आंसर। अब हम सीखेंगे दशमलव का, यानी कि दशमलव वाले का स्थानीय मान और जाति मान देखेंगे। जैसे दशमलव को, यानी कि दशमलव के बाद जो अंक दिया हो उसका स्थानीय मान वही उसी तरह निकालेंगे। जैसे 2 किस स्थान पर रहेगा? 2 को मानेंगे इकाई स्थान पर और 3 को दहाई और 6 को सैकड़ा, यानी कि 100वें। यह रहा हमारा वैल्यू। और अब दशमलव के पहले वाले को हम देखेंगे। जैसे 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 0.0। अब हम देखेंगे कि कितने अंक बाद हमें 7 लिखना है, यानी कि 1 अंक, 2 अंक, 2 अंक बाद 7 लिखना है। इससे पहले हम 2 जीरो बढ़ा देंगे। 7 का स्थानीय मान हुआ 0.007। अब हम 1 का स्थानीय मान देखेंगे। 1 का स्थानीय मान अब देखेंगे यह कितने अंक बाद दशमलव लगा है, यानी कि 1 अंक बाद। तो यहाँ पर होगा 0.01। अब इसके बाद हम 5 का देखेंगे। 5 में 1 भी अंक बाद दशमलव नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 0.5। यह रहा इसका स्थानीय मान। और जाति मान तो वही रहेगा, 7 का जाति मान 7 ही, 1 का 1 और 5 का 5 ही। उसी प्रकार अब इसका स्थानीय मान निकालेंगे। 2 का स्थानीय मान इकाई अंक पर है तो 1 से गुणा, यानी कि 2 और 3 का दाहिने स्थान पर है तो 10 से गुणा, यानी कि सॉरी 30 और 6 सैकड़े के स्थान पर है तो इसलिए यहाँ 100 से गुणा, यानी कि 100 × 6 = 600। यह हुआ इसका स्थानीय मान 2, 30, 600। इसी तरह हम एक उदाहरण और देखते हैं दशमलव वाले का। जैसे इसमें अब 1 का स्थानीय मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कितने अंक बाद दशमलव है, 1 के कितने अंक बाद दशमलव है। जैसे 1, 2, 3, 3 अंक बाद दशमलव है तो
दशमलव बढ़ाकर 3 जीरो, उसके बाद लिखेंगे 1, यही हुआ इसका स्थानीय मान। उसके बाद 2 का देखेंगे तो कितने अंक बाद, 2 अंक बाद, तो इसका होगा 0.002। उसके बाद 3 का देखेंगे तो 0.03, क्योंकि 1 अंक बाद है। 4 का देखेंगे तो 0.4, क्योंकि इसके बाद कोई अंक नहीं है। इसी तरह 75 का स्थानीय मान माने यानी कि 5 का यहाँ पर होगा 1 × 5, क्योंकि यह इकाई अंक पर है, इसलिए इसका होगा 5 और यह दहाई अंक पर, इसलिए 10 × 7 यानी कि 70। जैसे अगर दशमलव के जितने बाद, दशमलव के पहले जितना अंक रहेगा उसे हम उसी तरह निकालेंगे जिस तरह पहले से निकालते थे, और दशमलव के बाद रहेगा तो इसी तरह जीरो बढ़ा बढ़ाकर। तो चलिए इसी प्रश्न में हम देख लेते हैं 4 का स्थानीय मान और जाति मान में अंतर। तो इसे करने के लिए सबसे पहले हम स्थानीय मान देखेंगे। स्थानीय मान इसका कितना निकल रहा है, 0.4 और जाति मान 4। 4 बड़ा होता है इसलिए उसे हम ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर 4 में से 0.4 घटाने के लिए सबसे पहले हम दशमलव को दशमलव के सामने लाएंगे, घटाना दशमलव का घटाव इसी तरह हल करते हैं। दशमलव के ऊपर हम दशमलव लिख देंगे, उसके बाद हमें 4 में से इसे माइनस करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4.0, क्योंकि दशमलव के बाद 0 कितना भी लगाओ कोई मान में फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद हम इसे इसमें से एक हासिल लेंगे यानी कि उधार, 4 में से एक इसमें गया तो यह होगा 10, 10 में 4 गया 6, यहाँ पर बचा 3, 3 इसी तरह उतार लेंगे। हमारे पास इसका राइट आंसर आया 3.6, यही हुआ 4 के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर 3.6। अब इस प्रश्न को देखते हैं, जैसे इसमें 6 के तो सिंपल हो जाएगा, इसमें हम 4 के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर देखेंगे। तो इसका स्थानीय मान कितना होगा 4 का, 4 का स्थानीय मान होगा हमारे पास कितने अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.04। अब इसका जाति मान क्या होगा, जाति मान 4 ही होगा, तो इसमें से 0.04 को 4 में से माइनस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम दशमलव के ऊपर दशमलव लगा देंगे, उसके बाद हम 4 लिखेंगे, उसके बाद 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि 0 बढ़ाने से कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ से हम एक उधार लेंगे, तो यह हुआ 10, 10 में 4 गए 6, यहाँ पे बचा 9, 9 में 0 यानी कि 9 उतरा दशमलव, यहाँ बचा 3, यही हुआ हमारा राइट आंसर 3.96। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं ऐसे ही और प्रश्न आपको लेकर आता रहूं। धन्यवाद।